राधे। दोस्तों, श्री चित्रासकी जू मंदिर में आज नौका विहार लीला के अलौकिक दर्शन आप लोगों ने कर लिया है। अक्षय तृतीया, कल अक्षय तृतीया है, इसके बारे में थोड़ा हम आज जानकारी ले लेंगे। कल 10 मई 2024 शुक्रवार, हमारे यहाँ अक्षय तृतीया पर्व का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया का दिन अपने आप में अबुझ स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन शुभ कार्यों को करने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन को आमतौर पर आकाश तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस साल अक्षय तृतीया या आकाश तीज कल 10 मई 2024 शुक्रवार को मनाई जाएगी। और दोस्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त इस तरह है। तृतीया तिथि 10 मई शुक्रवार को प्रातःकाल 4:17 बजे प्रारंभ होकर संपूर्ण दिन रहेगी। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु व लक्ष्मी माता की पूजा उपासना होती है। इस दिन सूर्योदय से लेकर सुबह 10:30 तक पूजा उपासना का श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त रहेगा। खरीदारी के लिए देखिए, खरीदारी के लिए चौघड़िए इस तरह है। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी के आभूषण, बर्तन, वस्त्र, वाहन इत्यादि खरीदने की परंपराएं रही है। अतः आप इस शुभ चौघड़ियों में संबंधित वस्तुएं खरीद सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो में बनाए रखिएगा। और आगे अक्षय तृतीया का महत्व इस तरह है। अक्षय का अर्थ है अविनाशी, जो हमेशा बना रहता है, और तृतीया का अर्थ है शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन शुभ कार्य करते हैं वह हमेशा के लिए बना रहता है और कभी ख़त्म नहीं होता। इस दिन लोग ये नए व्यापारिक उपक्रम, नौकरी, ग्रह प्रवेश शुरू करते हैं और धार्मिक कार्य करते हैं। इस दिन सोना चांदी और आभूषण खरीदने के लिए शुभ माना जाता है, और यह भी माना जाता है कि ये चीज़ें उनके जीवन में सफलता, सौभाग्य और समृद्धि लाती है। अक्षय तृतीया व परंपरा, देखिए दोस्तों, हमारा परंपरा कैसा है। यह दिन नई शुरुआत के लिए, विशेष रूप से विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, व्यापार आरंभ और अन्य निवेशों के लिए शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया को सनातन संस्कृति में एक शुभ दिन माना जाता है और यह समृद्धि की अनंत बहुतायत का प्रतिनिधित्व करता है। देवी देवताओं को प्रार्थना अर्पित करना भी पूजा का हिस्सा है। इस दिन मंदिरों को सजाया जाता है, विशेष पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और धन समृद्धि की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दान क्या क्या करना है। इस दिन दान, सेवा इत्यादि करने से भी अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। अतः इस दिन कॉपी लोग
मंदिरों व गौशालाओं में दान पुण्य करते हैं। जब क्या क्या करना है, अक्षय तृतीया अक्षय फल प्रदान करने वाली मानी गई है, अतः इस दिन मंत्र जाप, नाम जाप, रामचरितमानस, भगवत गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, सुंदरकांड, श्री हनुमान चालीसा, श्री राम रक्षा स्तोत्र इत्यादि के पाठ, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण पाठ विधि विधान से किए जाते हैं। अक्षय तृतीया पूजा विधि, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिला ले, पूजा स्थल और आसपास की जगह को साफ करें, फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की तस्वीर मूर्तियां स्थापित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दूध, शहद, दही, घी, शक्कर और जल के मिश्रण से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करें, अक्षत और चंदन का टीका और माता लक्ष्मी को कुमकुम का टीका लगाए। भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी को फल पुष्प अर्पित करें। फल में विशेष कर केला व गुलाब, कमल, गुड़हल, मोगरा, गेंदा इत्यादि पुष्प अर्पित करें।